नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। सुबह का सभी काम हो गया है और अभी दोपहर का टाइम है। आज मैं बहुत ही सुंदर DIY बनाऊंगी, जो मेरे कुछ ख़राब चीज़ें पड़ी हैं। तो तीन चीज़ें आज मैं बनाऊंगी इस वीडियो में। तो अपने गार्डन में बैठ के कुछ भी बनाओ तो मन भी बहुत ज़्यादा लगता है। यहीं पे बैठ के मैं बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक छोटी सी हांडी है जो ख़राब हो गई है। काफ़ी दिन से मैं इसको यूज़ कर रही थी। नीचे से जिसकी जो मिट्टी है वो हटने लग गई है, तो ये ज़्यादा मुझे अब अच्छी नहीं लग रही है और जहाँ भी मैं इसको रखती हूँ मिट्टी हो जाती है। तो इससे मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाऊँगी। इसमें देखिए, मैंने ये POP ली है। POP की जगह आप वाइट सीमेंट भी ले सकते हैं। तो जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले लूँगी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। इस मिट्टी की हांडी की जगह आप कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा ले सकते हैं, कोई भी आप प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं इस DIY को बनाने के लिए। कुछ भी, जो भी आपके पास बेकार का कोई भी डब्बा पड़ा हो, कोई भी बोतल पड़ी हो, उस पे आप ये कर सकते हैं। तो मैं आज प्लास्टिक की एक बोतल है उसको भी तैयार करूँगी और दो इस तरह की मेरे पास ये छोटी छोटी मटकी हैं, इनको भी मैं तैयार करूँगी। तो तीन चीज़ें मेरी आज इसमें बन जाएंगी। तो देखिए, मैंने इसको घोल लिया है। पेस्ट ज़्यादा पतला ना हो, इस तरह से आपको इस पर लगाना है हाथ से। तो ये जो इसकी जो मिट्टी हट रही है वो भी पूरी कवर हो जाएगी और इसको लगाने से बहुत ही अच्छी जो फिनिशिंग है वो आती है। तो मैं इसको पूरे पर लपेट दूँगी और ये काफ़ी सस्ती आती है। मैंने तो बहुत दिन पहले ये मंगाई थी, तो अभी तक मेरी चल रही है। जब ऐसे कुछ बनाना होता है तो मैं बना लेती हूँ। तो पूरे पे इस तरह से लपेट के और इनको मैं सूखने के लिए रख दूंगी। एक घंटे में ये सूख जाएंगे, उसके बाद देखते हैं हम इस पर क्या करेंगे। तो अभी देखिए, मैंने दोनों को अच्छे से कर दिया है और इनको मैं अभी 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, सूख जाएंगी। तो उसके बाद मैं इस पर सफ़ेद एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ। इसको करने से इस पर और अच्छी चमक आएगी, ये और ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगे और ये बिल्कुल पक्का भी हो जाएगा। तो इस पर सफ़ेद पेंट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, अभी दोनों को मैंने पेंट कर लिया है, तो कितनी अच्छी चमक आ गई दोनों पर। और अभी मैं इनके ऊपर ये कुछ मिरर हैं ये लगाऊंगी। इसको लगाने से ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएंगी। तो इनको आप फेविकोल से आराम से चिपका सकते हैं। फेविकोल मेरे पास है नहीं, तो मैं ये ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ। तो फेविकोल हो तो फेविकोल से बहुत अच्छे से ये चिपक जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं जो मैं लगा रही हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। और ये बोतल भी देखिए, मैंने उसी से इसी बिल्कुल जो POP से पूरी लपेट दिया ऊपर से और ये सूख गई अभी। और अब मैं इस पर ये गोल्डन थोड़ा सा पेंट कर रही हूँ। कुछ भी जो समझ में आ रहा है वो आप इस पर डिज़ाइन बना दीजिए। तो अभी जो मेरे समझ में आ रहा है बस मैं डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ और किसी भी तरह से इसको पेंट करें, सुंदर ही लगेगी। और ये बिल्कुल बेकार पड़ी हुई सैनिटाइज़र की बोतल है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं पानी में मनी प्लांट लगाऊंगी, तो ये कहीं भी हम इसको रखें बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी।
तो ऐसी जो बॉटल्स होती हैं इनका यूज़ तो आराम से हम कर सकते हैं मनी प्लांट लगाने में, और बहुत सुंदर लगती हैं ये पेंट होने के बाद। तो कुछ पत्तियां बना दी हैं, फूल बना दिए हैं। इस पर भी मैं ये कुछ मोती लगा रही हूँ एक्स्ट्रा, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे, मेरे पास हैं, अच्छे लग रहे हैं तो मैं इनको और सुंदर बना रही हूँ, लगा रही हूँ। वैसे इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगेंगी। और ये मिरर के चारों तरफ थोड़ा सा मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो अभी देखिए ये तीनों ही बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ें हों उनको यूज़ करके आप इनको सजा सकते हैं, या फिर खाली पेंट करके ही आप इनको रखिए तो और ये काफ़ी सुंदर लगेंगी। कोई ज़रूरत भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें इस पर लगाई जाएं। तो ये तीन चीज़ें मेरी बनी हैं बिल्कुल बेकार पड़ी हुई चीज़ों से। तो इनका जो यूज़ है हम कई तरह से कर सकते हैं। देखिए मनी प्लांट लगा ली बोतल में हमने, अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे? इसमें आप बच्चों की पेन पेंसिल वगैरह ये सब रख सकते हैं। गार्डन में आप कोई भी प्लांट इसमें लगा सकते हैं। गार्डन में आप डेकोरेशन के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं, अपने गार्डन में कहीं भी इसको रख दीजिए। घर में किसी भी कोने में आप रख सकते हैं, सुंदर लगेगा। इस तरह से एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं रखने के बाद ये। और ऊपर कोई फ्लावर वगैरह लगा दीजिए तो बहुत ही सुंदर देखिए दिख रहे हैं। तो जहाँ भी आप इसको रखेंगे, चाहे आप डेकोरेशन के लिए रखिए या फिर अपने किचन में रखिए या फिर पेन पेंसिल रखने के लिए रखिए, ये सुंदर ही लगेगा। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मैं किचन में इनको यूज़ करूँगी। और ये जो बोतल मैंने बनाई थी पहले, देखिए कितनी सुंदर लगती है, मैंने यहाँ पे रख रखी है। ये भी तेल की बोतल थी। तो इस तरह से बोतल तो इतनी निकलती रहती है घर में, तो इनको फेंकने की बजाय आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये तीनों चीज़ें कैसी लग रही हैं आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको किचन में मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी। गार्डन में भी इस तरह से हम इसको रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी। देखिए दोस्तों बहुत सारी चमचे हैं तो सारी एक साथ इसमें आ गई हैं, और भी बहुत सारी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा आप जो बड़े बड़े चीज़ें होती हैं वो बड़े वाले में रख सकते हैं। तो ये बड़ी वाले में मैंने सारी बड़ी चीज़ें रख दी हैं, और मेरे किचन में रखने के बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो जहाँ भी मन करे वहाँ इनको हम रख सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय सिया राम।